जलेबी जलेबी वेलकम टू द चैनल गाइस। आज है 14 मार्च 2024 और आज मैं सफ़र करने जा रहा हूँ पटना टू कटिहार वंदे भारत एक्सप्रेस से, जो कि पटना से NJP तक जाती है, मगर मैं कटिहार तक ही सफ़र करने वाला हूँ। अगर आप भी वंदे भारत से कटिहार तक सफ़र करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। यहाँ खड़ा हो जाइए, आप वहाँ खड़ा हो जाइए, जीप आपके पास खाली खड़ा हो, आप इस वंदे भारत में सिर्फ 8 ही डब्बे हैं, तो आप इसे एक मिनी वंदे भारत कह सकते हैं, क्योंकि गाड़ी काफ़ी छोटी है। और जो ये आपको धुएं की तरह लग रहा है, ये कुछ भी नहीं, पटरी पर जो चूना डाला गया था वही उड़ के पूरे प्लेटफॉर्म पर फैल गया है। चूँकि ये ट्रेन आज ही स्टार्ट हुई है, इसी वजह से हर कोई इस ट्रेन के साथ पिक्चर और सेल्फी ले रहा है। तो चलिए इस ट्रेन की खूबसूरती मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये CC का सेक्शन है, जिसका फेयर पटना टू कटिहार लगभग 1000 रुपये का है, और वहीं कटिहार से पटना 875 रुपये है शायद। और अगर आप EC में सफ़र करते हैं तो उसका फेयर लगभग 1800 रुपये है पटना टू कटिहार। वंदे भारत की चेयर कार की सीट्स की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप पटना टू कटिहार इंटरसिटी से सफ़र करते हैं तो उससे ज़्यादा कम्फर्टेबल सीट आपको वंदे भारत में मिलेगी। जैसा कि आप देख ही रहे हो, ट्रे बिल्कुल सिमिलर है मगर ज़्यादा साफ़ सुथरा है। सामान रखने का जगह भी बिल्कुल एक जैसा ही है, और लेग स्पेस देखे तो ज़्यादा है, इंटरसिटी से ज़्यादा बेहतर आपको स्पेस मिल जाता है वंदे भारत में। हर सीट के ऊपर लाइट दी गई है, जो कि टच करते ही जल जाती है, मगर इसका कोई फ़ायदा मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि लाइट 24 घंटे ट्रेन में अवेलेबल होती है, तो इसका इस्तेमाल कोई ख़ास होगा भी नहीं ट्रेन में। अब ट्रेन में दो तरह के वॉशरूम दिए गए हैं, एक इंडियन स्टाइल और एक वेस्टर्न स्टाइल। अभी मैं जिस वॉशरूम में हूँ वो इंडियन स्टाइल का वॉशरूम है, और आप देख ही सकते हो कितना नीट एंड क्लीन है। आप वॉशरूम देखो,
फ्लश करने के लिए जगह मैं दिखा रहा हूँ। पानी नहीं आ रहा है क्योंकि ट्रेन रुका हुआ था। आप बताओ आपको वॉशरूम कैसी लगी ये इंडियन स्टाइल की। हर सीट के नीचे चार्जिंग का पोर्ट दिया गया है, साथ में यूएसबी पोर्ट भी दिया गया है। ट्रेन के खुलते ही सबसे पहले आपको वाटर बोतल और पेपर दे दिया जाता है। हालांकि वंदे भारत की मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है, मगर इस ट्रैक की लिमिट 110 किलोमीटर की ही है पर आवर, इसीलिए ये 110 से ऊपर नहीं जा रही है और कभी कभी यह मैक्सिमम 130 तक चली जा रही है, मगर एवरेज 110 किलोमीटर के पर आवर की रफ्तार से ही जा रही है। अब ट्रेन बख्तियारपुर पहुंच चुकी है और यहां पर रुकने वाली है। बख्तियारपुर से खुलते ही सबसे पहले हमें लंच दे दिया गया है और ये आप लंच सबसे पहले देखो आपको कैसा लगता है। तो मैंने वेज थाली ऑर्डर किया है, तो इसमें पनीर, दाल, बंदा गोभी की सब्ज़ी, एक गुलाब जामुन, दही, चावल और साथ में दो पराठा दिया गया है। जैसा कि आप देख ही रहे हो, मैंने चावल को छोड़कर सभी चीज़ें खोल दिया है क्योंकि मैं चावल नहीं खाने वाला हूँ। बाकी चीज़ें आप देख ही रहे हो, अब खाने के बाद मैं बताता हूँ ये कैसी लगी है मुझे। तो खाने को मैं दूंगा 10 में से 8 नंबर और इस वक्त मैं वेस्टर्न टॉयलेट के बाथरूम में हूँ, जो कि साइज़ में इंडियन टॉयलेट से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और सब कुछ सिमिलर ही है, बस साइज़ में ज़्यादा बड़ा है। आप देखो आपको कैसा लगता है। फ्लश करने के लिए साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो चलते हैं आप बाहर। इस वक्त हम मोकामा के रेलवे स्टेशन पे हैं, मगर ट्रेन यहाँ पर नहीं रुकती है, स्टॉपेज नहीं होता है यहाँ पर और ट्रेन आगे चल पड़ती है। इस वक्त हम लोग मोकामा के ब्रिज को पार कर रहे हैं। बख्तियारपुर के बाद अब ट्रेन सीधा ही बेगूसराय में आकर के रुकी है।
बेगूसराय के बाद ये ट्रेन सीधा ही खगड़िया जंक्शन पर जाकर के रुकती है। जब ट्रेन का अनाउंसमेंट हिंदी और बंगाली में दिया गया है तो मेरे ख्याल से अंगिका भाषा में भी दिया जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों मिस कर दिया है। अब ट्रेन खगड़िया के बाद सीधे ही नवगछिया स्टेशन पर जाकर के रुक जाती है। नवगछिया से ट्रेन खुलते ही कुछ ब्रेकफास्ट दिया जाता है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अदरक चाय वाला सिस्टम तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब आप भी सोच रहे होंगे इस पैकेट में क्या है। इसमें दिया गया है एक समोसा, और समोसा खाने में भी बहुत ही ठीक था। समोसा आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अब ये है चॉकलेट वाला पॉपकॉर्न जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आप ट्राई करके देखना आपको कैसा लगता है जब आप सफ़र करोगे। मुझे मीठा पॉपकॉर्न बिल्कुल भी पसंद है ही नहीं। अब ट्रेन कुर्सेला ब्रिज को क्रॉस कर रही है। अब यह केक जो कि ठीक ही था। अब इन्होंने दिया है अदरक वाली चाय के लिए गर्म पानी। अब इसमें मैं अदरक वाली चाय डालता हूँ और अपना चाय बनाता हूँ। तो अब आप बताओ आपको कैसी दिख रही है ये चाय। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। रिफ्रेशिंग वाइब्स, हालांकि यह बहुत ही ठीक था, मगर इसकी कोई ख़ास ज़रूरत थी नहीं ट्रेन में, मगर चलो ये फिर भी बहुत ही अच्छा था। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो समोसा, केक और रिफ्रेशिंग वाइब्स, ये तीन चीज़ें मुझे अच्छी लगी, तो मैं इसको 10 में से 6 नंबर दूंगा। अब नवगछिया के बाद ट्रेन सीधे ही कटिहार जंक्शन में एंटर कर गई है। कहीं भी स्टॉपेज नहीं हुआ है और मैं कटिहार जंक्शन एंटर कर रहा हूँ। ट्रेन पटना से बिल्कुल ही टाइम पर खुली थी और बिल्कुल समय पर ही कटिहार जंक्शन पहुंच गई है।
तो आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। याद रहेगा।